मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरपंच और सचिव की दबंगई से पूरा गांव परेशान है। गांव वालों का आरोप है कि सरपंच ने पंचायत भवन को अपना घर बना लिया है और महीने भर से अपने पूरे परिवार के साथ वहां रह रहे हैं। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के जावरा तहसील से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर खोजन खेड़ा में बने पंचायत भवन की। गांव वालों का आरोप है कि सरपंच अवैध रूप से कब्जा जमा कर अपने परिवार के साथ पिछले एक महीने से यहां रह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच दौलतराम महीनों से खोजन खेड़ा पंचायत पर अपने पूरे परिवार के साथ घरेलू उपयोगी संसाधनों के साथ रहता है और जब सरपंच से इस मामले में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सरपंच हमसे कहते हैं कि मेरे घर का काम चल रहा है, घर बन जाएगा तब हम चले जाएंगे। ये मालूम नहीं है सर, ये क्या मालूम कौन से ये नियम निकल गया हो, क्या मालूम हमारे को? ऐसा कोई नियम में है क्या? क्या मालूम निकल गया में नहीं, नहीं है सर के। आप ग्राम वासियों ने शिकायत नहीं की गई? सरपंच साहब पंचायत पे कब्जा करके बैठे ना। मंत्री साहब ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच भ्रष्ट है। शासन द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाएं सरपंच दौलतराम बामनिया और सचिव की साठगांठ से गांव वालों को नहीं दी जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सचिव कक्ष में सिलाई मशीन रखी हुई है। पंचायत भवन में गांव वालों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 50 इंच की LED टीवी सचिव के घर पर चल रही है। कुछ समय पहले तक पंचायत भवन में चलने वाली टीवी कुछ दिनों बाद गायब हो गई और इस विषय पर जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो कहानी सचिव के घर पर जाकर अटक गई। जब सचिव से हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो मीडिया को देखते ही वो दुम दबाकर भागते नजर आए। इसके बाद जब हमारे संवाददाता खोजन खेड़ा के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। पंचायत भवन की इस सरकारी संपत्ति को सरपंच साहब ने अपना घर बना रखा था। घर के सभी सामान ग्राम पंचायत में दिखे, टोटल ही घरेलू सामान वहां इधर उधर पड़ा दिखाई दिया। जब सरपंच दौलत राम से मीडिया की बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बना रखा हमने तो मकान बनाया तो वापस निकालने की कब्जा थोड़ी कर रखा हमने, हाँ के घर तोड़ के मेरे के घर तोड़ ले जाऊंगा इसको। सरपंच की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब जो भवन गांव वालों की समस्याओं को दूर करने के लिए बनवाया गया है वहां उनका इस तरह रहना गलत नहीं लगता। अब क्या सरपंच जी को ये भी बताना पड़ेगा कि पंचायत भवन क्यों और किसके लिए होता है? सोचिए जरा, जब सरपंच खुद ही अपनी समस्याओं के लिए पंचायत भवन का इस्तेमाल कर रहा है तो गांव वालों की समस्याएं वो कैसे दूर करेगा? GSN न्यूज के लिए जाकिर कुरैशी की रिपोर्ट।